इन्होंने लिखा है अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और आपकी उम्र अजीज़ में बरकत अता फरमाए, लेकिन एक अहम मजमे को आपसे मुस्तफीद होने का मौका मिलता है। मेरा सवाल एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से मुतालिक है, खुसूसन हाथ दिखाना कैसा है, आज ये इस्लाम में कतर ममनू है या गुंजाइश है। आजकल अखबारात में एक इश्तहार कसरत से नज़र आता है कि शिमाली इलाका जात में के साबिक चीफ कमिश्नर को अपना हाथ दिखाइए, और इसमें बाद लोगों के कॉल भी दर्ज होते हैं कि मैंने अपना हाथ दिखाया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो क्या ऐसा करना यानी अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन के हवाले से रहनुमाई लेना दुरुस्त है या नहीं। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जिन्हें वैसे भी ऑकल्ट साइंसेस कहा जाता है आजकल की इस्तलाह में भी, इनके बारे में हमारे दीन की तालीम ये है कि अगरचे ये नहीं कहा गया कि इनमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इनमें दिलचस्पी लेने से सख्ती से मना किया गया। बाज़ चीज़ें होती हैं जिनमें तासीर होती है, मसलन जादू है, उसमें तासीर है, जादू बरहक है लेकिन हराम है। इसी तरीके से ये कि हाथ की लकीरों में कुछ है या नहीं, या ये कि सितारों के मामले में, लेकिन ये कि इसकी नफी तो मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये मेरे इल्म में है कि हुजूर ने सख्ती से मना किया है और फरमाया है कि जिस शख्स ने किसी ऐसे शख्स की बात को, किसी नजूमी की बात पर यकीन किया, उसने जो कुछ मैं लाया हूँ उसका इनकार किया। उसकी हिकमत भी समझ में आती है, वही बात जो मैंने पिछले जुमे में अर्ज़ किया था ना कि सूद में, जुए और शराब के बारे में क्या मुश्तरक चीज़ है, उसमें मेहनत से गुरेज। इसी तरीके से ये जो है इस तरह की चीज़ें, ये भी इंसान को असल मेहनत उससे बचने के रास्ते दिखाने वाले होते हैं। को हाथ दिखाकर काम बन जाए, कुछ वो सितारों की चाल से कुछ सिलसिला हो जाए, इसके बजाय अपनी दोनों आँखों से रास्ता देखिए। हमारी दोनों आँखें हैं अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत, ये हमारी दो आँखें हैं, इनसे सही सही रास्ता इख्तियार करें और अमल करें, जिद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, ये रास्ता है। बाकी इन चीज़ों की तवज्जो इसकी तरफ जो है उससे मना किया गया है, और जैसा कि मैंने आपको सुना दिया है, हुजूर ने इस पर वईद फरमाई है कि फिर वो मैं जो कुछ लेकर भेजा गया हूँ उसकी वो नफ़ी है। किसी चीज़ के बारे में अगर आदमी डबल माइंडेड हो जाए कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये भी हलाल है, ये भी हलाल है, हराम के लिए तो इस्तिखारा नहीं होता, हलाल के लिए होता, ये भी जायज़ वो भी जायज़, उसमें अल्लाह से मशवरा मांगता है इंसान। इस्तिखारा के माने खैर तलब करना, उसकी दुआ हुजूर ने सिखाई है और ऐसे सिखाई है कि सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें इस तरह दुआ इस्तिखारा सिखाई जैसे कुरान सिखाया, यानी इतने अहतमाम के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका वअसअलुका बिफ़ज़लिका अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला अअलमु वअन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह, मैं तेरे इल्म से खैर का तालिब हूँ, तेरी कुदरत ही से चाहता हूँ कि मुझे भी कोई ताकत मिल जाए, और ये कि मैं तुझसे ही खैर चाहता हूँ, तो इसलिए कि तू जानता है मैं नहीं जानता, तुझे ताकत हासिल है मुझे कोई ताकत हासिल नहीं। फिर उसके बाद ये कि अल्लाह अगर फलां काम मेरे हक में तेरे इल्म में बेहतर है दीन और दुनिया के एतबार से, तो फिर उसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरा दिल भी उसके लिए खोल दे, और अगर फलां काम तेरे इल्म में मेरे लिए मुज़िर है दीन के एतबार से और आखरत के एतबार से, तो फिर उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे और मेरे दिल को भी मुतमईन कर दे कि इस पर कि ये बात जो है वो सही नहीं है।